एवरीवन, योर न्यू चैप्टर इज सेफ्टी रूल, दैट चैप्टर नंबर 7। एक्सीडेंट्स आर कॉज ड्यू टू आवर केयरलेसनेस। इफ वी वेंट टू कीप आवरसेल्फ सेफ, वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स इन आवर एवरीडे लाइफ। तो एक्सीडेंट्स जितने भी होते हैं, क्यों होते हैं, क्या कारण है, हम केयरलेस होते हैं, सेफ्टी रूल्स का पालन नहीं करते। तो वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स डेट मेक अस सेफ, जो हमें सुरक्षित करे, ऐसे सेफ्टी रूल्स का हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, अपनी जिंदगी में उसे लाना चाहिए। सेफ्टी एट होम, देर आर मेनी थिंग्स इन आवर हाउस विच कैन कॉज एक्सीडेंट्स इफ यू आर केयरलेस इन हैंडलिंग देम, सो वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स। हमारे घरों में भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नुकसान दे सकती हैं, हमें हार्म पहुँचा सकती हैं, जैसे नाइफ होते हैं, मैच बॉक्सेस होते हैं। तो कैसे हम उन्हें केयर करें, कैसे हैंडल करें, इसके लिए भी सेफ्टी रूल्स आपको बताए जाएंगे। नाउ द सेफ्टी इन द किचन, डू नॉट प्ले विथ मैच बॉक्सेस, नाइफ्स एंड अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स। डू नॉट गो नियर गैस वियरिंग सिंथेटिक क्लॉथ्स, दे माइट कैच फायर। यूज अ किचन टॉवेल और पोर्ट होल्डर टू हैंडल हॉट ऑब्जेक्ट्स। तो किचन में आपके मैच बॉक्सेस होते हैं, आइदर लाइटर होता है, नाइफ्स होते हैं, कई सारे शार्प्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें नहीं खेलना चाहिए। क्यों नहीं खेलना चाहिए? क्योंकि मैच बॉक्स से फायर लग सकता है, नाइफ से और अदर शार्प ऑब्जेक्ट से क्या हो सकते हैं, बाउंस पड़ सकते हैं हमारे फिंगर्स पे, आइदर हमारे बॉडी पे। दैट्स वाई यू शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। हमें सिंथेटिक कपड़े पहनकर गैस के पास नहीं जाना चाहिए, स्टोव के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फायर इजिली कैच कर लेते हैं, जितने भी सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं। कोई भी गर्म चीज़ को पकड़ने के लिए, हैंडल करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, पॉट होल्डर इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? अगर हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे हाथ में बर्न्स पड़ सकते हैं, हमारा हाथ जल सकता है। क्लॉक चेक वेदर द ओवन, टोस्टर एंड अदर कुकिंग एप्लायंसेस आर टर्न्ड ऑफ बिफोर यू लीव द किचन। किचन को छोड़ने से पहले क्या करना चाहिए, जितने भी खाना पकाने वाली चीज़ें हैं उन्हें टर्न ऑफ कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टोव है, टोस्टर है, ओवन है, या फिर जो जो भी चीज़ें हैं उन्हें क्या करना चाहिए, टर्न ऑफ कर देना चाहिए। देन आफ्टर आपको किचन से निकलना चाहिए। कीप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अवे फ्रॉम वाटर टू अवॉइड शॉक्स। अब वाटर से जितने भी एप्लीकेंट्स, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंट्स होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, इससे आपको शॉक लग सकता है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स विथ वेट हैंड्स। गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हमने अभी अभी बताया कि वाटर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इससे हमें शॉक लग सकता है। That will harm us. Avoid spilling on the floor or wipe up spills right away so that no one slips. Floor पे पानी गिरा हो या फिर ऐसा किसी कोई चीज़ गिरा हो जिससे आप फिसल सकें, तो उसे क्या करना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। Switch off the gas stove when not in use. Check the gas pipes regularly to avoid leakage. Gas stoves को बंद कर देना चाहिए जब इस्तेमाल ना हो, और गैस पाइप्स को हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। नाउ द सेफ्टी इन द बाथरूम, डू नॉट लीव द सोप बार ऑन द फ्लोर, यू मे स्लिप एंड गेट हर्ट, कीप इट इन द सोप केस। जिस चीज की जगह जहां बनाई गई हो उसे वहीं रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सोप है, अगर आप उसे जमीन पे यूं छोड़ दें बाथरूम में, तो कोई दूसरा आया तो उस पर स्लिप कर सकता है, आइदर आप भी स्लिप। That will hurt you. That's why keep that soap in the soap case. So soap ko soap case mein hi rakhein. Do not spill detergents or shampoo on the floor. The floor gets slippery and you may fall down. Detergent, shampoos, in sab ko floors pe nahi phailana chahiye, nahi girana chahiye. Kyun? Kyunki floor kya hota hai? Slippery ho jata hai in sab cheezon se aur isse hum gir sakte hain. Do not play with sharp objects like scissors, blades, razors, etc.
नॉट टच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स विद वेट हैंड्स, डू नॉट ओपन द हॉट वाटर टैप योरसेल्फ, इट मे बर्न योर हैंड, आफ्टर यूजिंग द बाथरूम क्लीन इट एंड वाइप द फ्लोर। तो बाथरूम में भी सीजर्स रखे रहते हैं, ब्लेड्स रखे रहते हैं, रेजर्स रखे रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी क्या होते हैं, शार्प होते हैं, ये हमारे हाथों पे, हमारे शरीर पे बाउंस ला सकते हैं, इससे हमें हर्ट हो सकता है, हम इंजर्ड हो सकते हैं। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स विथ वेट हैंड, द सेम थिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कहीं भी हो, चाहे वो आपके किचन में हो, चाहे वो आपके बेडरूम में हो, गीले हाथों से उन्हें नहीं छूना चाहिए। और जब आप नहा लें, जब आप बाथरूम का इस्तेमाल कर लें, तो फ्लोर को पोंछ दें ताकि स्लिपरी चीज ना रहे और कोई और उस पर नहीं फिसले। सेफ्टी एट अदर प्लेसेस, कहीं और पे कैसे सेफ्टी रखेंगे? वाइप द स्पिल्स ऑन द फ्लोर इमिडिएटली टू अवॉइड स्लिपिंग। घर में कहीं भी आपको दिखे जहाँ पे लगे कि कोई गिर सकता है, उसे क्या करें, तुरंत साफ कर दे। डू नॉट रन, जंप एंड स्कीप ओवर स्ट्रेस, सीढ़ियों पे कूदना नहीं चाहिए, दौड़ के नहीं जाना चाहिए, आराम आराम से जाना चाहिए, क्योंकि अगर पैर फिसला तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको सीवियर चोट लग सकता है, इंजर्ड हो सकते हैं। डू नॉट लीव द टॉयज ऑन द फ्लोर आफ्टर प्लेइंग, यू मे ट्रिप एंड फॉल डाउन। टॉयज को खेलने के बाद उनके सही जगह पे रख देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें जहाँ खेल कर वहीं छोड़ दे रहे हैं, तो या तो आप भी गिर सकते हैं ठोकर खाकर, या फिर कोई और भी गिर सकता है। डू नॉट प्ले इन द रूम्स और जंप ओवर द फर्नीचर, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस और इक्विपमेंट विद हैंड्स। फर्नीचर्स एंड रूम्स में नहीं खेलना चाहिए, खेलने के लिए क्या होता है, प्ले ग्राउंड होता है, इसलिए घर में नहीं खेलना चाहिए, फर्नीचर पे हो या फिर रूम में हो या फिर अदर स्टेयर्स पे हो, से आप हर्ट हो सकते हैं, इंजॉय हो सकते हैं। डू नॉट गो टू क्लोज टू द हीटर और हॉट आयरन, गर्म चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल हीटर होता है या फिर आयरन होता है, तो उनके नज़दीक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपका हाथ बर्न हो सकता है। डू नॉट टेक अ मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन अडल्ट, बिना बड़ों से सलाह लिए कोई भी मेडिसिन नहीं खाना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ थिंग्स मेड ऑफ ग्लास, इट मे ब्रेक एंड कट योर स्किन। ग्लास से नहीं खेलना चाहिए, शीशा से बनी हुई कोई भी चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो आपके हाथों से फिसला और टूटा तो आपके स्किन को वो कट कर सकता है। Now the next safety rules I'll teach you in your next video. Okay,